हेलो एंड वेलकम बैक टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ सेकंड इनिंग्स विद मंजूत कालरा आज है मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट जिनको लास्ट ईयर तक कोई भी नहीं जानता था और ना ही उन्होंने कोई लिस्ट मैच खेला था ना ही कोई फर्स्ट क्लास मैच फिर भी उनको एक आईपीएल टीम ने पिक किया जिसका नाम है सूर्य शर्मा फिर मेरे फर्स्ट ओवर में एक सिक्स लग गया था थर्ड बॉल पर तो वो बॉल तो जा रही थी मतलब तो बाहर बट मुझे लग रहा था ये मेरा करियर भी लेके जा रही है ऐसे करके लग रहा था मेरे को <laughs>

थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू व्यास मैं ठीक हूँ आप कैसे हो मैं बहुत बढ़िया भाई मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस और मेरे को अपनी कुछ जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे आपने क्रिकेट शुरू करी भैया मैं जब बारह साल का था तो मेरा भाई क्रिकेट खेलता था तो उसने टेरिस पेनेट्स लगा लगा रखे थे तो घर पे ही हाँ जी तो फिर वो मेरे से नॉकिंग वगैरह कराता था, था पूरे दिन तो वहाँ से मेरा क्रिकेट में मेरे को इंटरेस्ट आया तब भी आप लेग ने डालते थे हाँ तो फिर ये कब हुआ कि अब आपको क्रिकेट में ही घुसना है Uh, मेरे ताऊ जी जो मेरे बड़े पापा हैं उन्होंने मेरे को गाइड किया था कि मैं मतलब पूरे दिन लगा रहता था टेरिस पे बाहर पार्क में खेलता रहता था तो उन्होंने मुझको अकेडमी घर के पास एक अकेडमी थी तो उन्होंने मेरे को भेजा था वहाँ पे मतलब तो वो जॉइन जानी मानी अकेडमी थी या ऐसे ही बस रोड़्मी? ऐसे ही थी जानी मानी तो नहीं थी तो उस टाइम कोच कौन था आपका वहाँ पे कोई कोच नहीं था मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप था वहाँ पे मैं विकेट्स वगैरह थी वहाँ पे अच्छा ग्राउंड था तो मैं आके अपने आप ही जाके करता था तो फिर उसके बाद आपको ऐसा कौन था कि जो गाइड करे बताए कि हाँ आपको क्रिकेट खेलनी आगे कौन सिखाता कौन था सो भैया टू में मेरे को सुरेश बत्रा सर मिले uh, तो उन्होंने मेरे को मैचेस वगैरह खिलाने स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट मैच उन्होंने मेरे को अपने बैंक से खिलाया था लीग का मैच उस टाइम पे लीग के भी बहुत पैसे लगते थे उन्होंने मेरे को अपने बैंक से फ्री खिलाया और फर्स्ट मैच जो था सब मना कर रहे थे कि ये छोटा है इसको रहने देते हैं क्या एज right. थी आपके तब तब मैं शायद फिफ्टीन या सिक्सटीन साल में तो फिर मैं फ़र्स्ट मैच के लिए सब मना कर रहे थे कि छोटा है इसको रहने देते हैं बट सर ने लड़के मेरे को बोला कि नहीं ये खेलेगा आपने देखा नहीं है अभी उसको तो फिर मैंने फ़र्स्ट मैच में फाइव विकेट्स लिए थे मतलब बतरा सर ने आपका टैलेंट तभी पहचान लिया था हाँ मेरे को का मतलब एक साल हो गया था उसके आसपास जब से वो मेरे को देख रहे थे तो फिर मैंने फाइव विकेट्स लिए थे उस मैच में देन uh, तब मुझे सर ने मतलब काफ़ी अप्रिशिएट किया था और तब मेरे को समझ आ गया था कि यही है जो है क्रिकेट में मेरे को मतलब क्रिकेट सीरियस होना है uh, उसके बाद मैं उसके बाद में अंडर सिक्सटीन के ट्रायल्स पे गया था मतलब मुझे कोचज वगैरह ने लाइक कर रहे थे बट मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था अंडर सिक्सटीन नहीं मिल रहा था, था, था जी फिर उसके बाद मतलब तीन साल ही खेला था मैं सर के बैंक से और मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी बट मेरा नाम नहीं आया था नाइनटीन के मैंने तीन साल ट्रायल दिए थे तीन साल ट्रायल दिए नाइनटीन के बट उसमें भी मेरा नाम नहीं आया था तीनों साल एक साल कोविड में निकल गया था तो दो साल फिर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में बत्रासरी एक्सपायर हुए थे बट उन्होंने जितना मतलब मेरी लाइफ में मुझे सपोर्ट किया है वो एक तरीके से अभी भी मेरी बैकबोन ही है अभी भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो चले गए हैं बट अभी भी मुझे लग मेरे को कहीं भी परेशानी होती है गेम में लेके वैसे मैंने मैं उनकी पुरानी चीजें याद कर लेता हूँ कि वो जो मुझे बताते थे क्योंकि मतलब वो इंसान ऐसे थे मैंने अपनी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं देखा ये हमारे पिछले एपिसोड में भी बात हुई थी क्योंकि सुरेश बत्रा सर मेरे भी कोच थे कि उन्हें सिखाने का कितना शौक था तो मतलब यही था कि कभी भी उन्होंने मेरे सामने मुझे नहीं बोला कि तू ये कर सकता है तू वो कर सकता है बट मेरे को पीछे से सुनने के लिए आता था कि ये लड़का बहुत टैलेंटेड है ये बहुत आगे जाएगा उनके जाने के बाद आपको किसने गाइड किया क्योंकि जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज में और मेरे को पता है कि आप सिर्फ ट्वेंटी फाइव खेल लोगे था देर से तो मैं ये पूछना चाहता तो हूँ बत्रा सर के जाने के बाद किसने गाइड किया आपको बत्रा सर के मतलब जब वो एक्सपायर हो गए थे उसके बाद मेरे को करतार सर ने सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को गाइड किया उस साल फिर मेरे को मद्रास क्लब से उन्होंने मेरे को लीग खिलाई थी करतार सर ने एंड फिर मैंने थर्टी फाइव विकेट्स ली थी उस साल फिर उसके बाद मेरा चैलेंजर में नाम आया था और ये थर्टी फाइव विकेट्स कितने मैच में ली थी मे बी एलेवन मैच में वो डे तो बहुत ज़्यादा है उसके बाद फिर मैंने चैलेंजर में सिक्स विकेट्स ली थी फर्स्ट मैच में तो उस बेस पे मेरा अंडर ट्वेंटी फाइव में प्रॉबेबल्स में नाम आया था और ये जो चैलेंजर में आया था वो लीग के मैचेस में से ही आया था नाम हाँ जी लीग के मैचेस से आया था फिर उसके बाद मैं अंडर ट्वेंटी फाइव में सेलेक्ट हुआ था फिर अंडर ट्वी ट्वेंटी फ़ाइव के मैचेस में मेरे को स्काउट्स ने देखा था एम आई और के के आर के तो फिर उन्होंने मेरे को अपने ट्रायल्स पर बुलाया था तो के के आर के मैं ट्रायल्स पर गया था तो फिर मैंने वहाँ पर बहुत अच्छा किया था तो मुझे तब भी यही लग रहा था मतलब सब ने मुझे अप्रिशिएट किया था कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो मतलब मेरी बॉलिंग की भी बहुत तारीफ़ की थी फिर मुझे ये लग रहा था कि हाँ मैं एज एन नट बॉलर तो मैं के के आर के साथ जुड़ जाऊँगा तो वहाँ परफॉर्मेंस क्या रही थी ट्रायल्स पे? ट्रायल्स uh, में मेरी परफॉर्मेंस रही थी फर्स्ट इनिंग में मैंने फोर ओवर्स डाले थे और फिफ्टीन रन देखे थ्री विकेट्स लिए थे फिर उसके बाद जो हमारी जब हमारी बैटिंग आई थी तो हमारे 12 ओवर में मेरे ख्याल 120-30 रन थे कोई आउट ही नहीं कोई एक ही आउट हुआ था तो फिर उनके जो मतलब कोचिज थे अभिषेक नायर सर ये सब तो उन्होंने बोला सुयश को दोबारा बुलाओ दोबारा इधर से भी बॉल डालेगा तो फिर मैंने छः आउट किए थे फिर फिर उन्होंने मेरे को मतलब काफ़ी मेरी तारीफ़ की कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो बट ऐसा मेरे को किसी ने नहीं बोला था कि हम आपके लिए जाएंगे या फिर मतलब मेरा कोई वो नहीं था कि वो मेरे को लेंगे कोई उम्मीद नहीं थी कोई उम्मीद नहीं थी बट मैं इतना श्योर हो गया था कि मैं एज ए नेट बॉलर के के आर में जाऊँगा अच्छा हाँ फिर उसके बाद एम आई के ट्रायल्स पे भी गया था मैं मैं फर्स्ट ट्रायल्स पे गया था फर्स्ट डे गया था तब भी मैंने आठ आउट किए थे फर्स्ट ट्रायल पे एक ही स्पेल में हाँ जी एक ही स्पेल में उसके बाद थोड़े दो तीन दिन बाद मेरे को एम आई से दोबारा फ़ोन आया था कि आपको दोबारा ट्रायल पे आना है तो मैं दोबारा ट्रायल पे आया था तो रोहित भैया मेरी बॉलिंग देखने आए हुए थे पोस्ट के आग उनके आगे मैंने पाँच आउट किए थे तो उन्होंने मेरे से बात भी की थी कि आप बैटिंग वगैरह करते हो तो मैंने बताया हाँ भैया तो उन्होंने मेरे से पूछा भी था कि अगर पाँच बॉल पर आठ रन चाहिए होंगे तो आप बना दो कि मैंने कहा हाँ भैया ईजी तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ बनाओ मतलब ऐसे ही पूछा कि कहाँ मज़े ले रहे थे कि कहाँ बनाओगे ऐसे पीछे के बनाओगे या सामने मैंने कहा सर भैया अगर मीडियम पे सर बॉल डाल रहा होगा सिर्फ सामने मारूंगा अच्छा तो जब वहाँ पे आठ विकटें ली तो उसके बाद वहाँ से कोई एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ एम आई वाले मेरे मतलब काफ़ी टच में थे वो वो पूछ रहे थे कि मेरा अंडर ट्वेंटी फाइव वाला सीज़न इतना अच्छा नहीं गया था तो पूछ रहे थे वो क्यों नहीं गया इतना अच्छा सीज़न तो मैंने बताया था उन्हें कि मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अंडर ट्वेंटी फाइव खेला था उससे पहले कुछ नहीं खेला था तो मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था तो इस चक्कर में मेरे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया बट जब मैं अंडर ट्वेंटी फाइव वाला सीजन ख़त्म हुआ जब मैं के के आर के ट्रायल्स पे गया तो मैं सोच के गया था कि जो चीज़ मैंने इतने सालों की है मेरे को वही जाके करनी है होना होगा नहीं होगा वो देखी जाएगी जो मेरे को आता है बस मैं वही करूँगा तो फिर तो, मतलब दिसंबर में ऑक्शन थी तो मैं मेरा डेज का मैच चल रहा था तो मैं वापस आ रहा था वहाँ से तो मतलब ऑटो में आ रहा था मैं तो मैं मतलब खोल के बैठा हुआ था और मेरे को मतलब लोगों ने इतनी वो बना दी थी हाइप, हाइप की, की तेरा तो नाम आएगा ही तेरा तो नाम आएगा लोगों का ही बट आपको उम्मीद नहीं थी मेरे थाएं को उम्मीद नहीं थी बट लोगों ने इतना वो कर दिया कि मुझे ऐसा लग रहा था अब मेरा नाम नहीं आया तो मैं बहुत दुखी होने वाला हूँ परेशान होने वाला हूँ आप ऐसा समझ लो तो फिर मेरा नाम तो जब मतलब मेरा स्टॉप आ गया था तो मैं रुक गया फिर मैंने फ़ोन बंद करके रख दिया था मेरा नाम आने वाला था दो चार पाँच मिनट बाद फिर एकदम से इंस्टाग्राम पे मेरे को तीन चार मैसेज चार पाँच मैसेज आए वो मैंने देखे भी नहीं थे बट मुझे डाउट हो गया था मैंने कहा और का... आपने अपना ऑप्शन भी, भी नहीं, नहीं। देखा भी नहीं, तो, मैसेज से पता लग रहा है मैसेज से एक मतलब एकदम से जैसे मैंने उसको पैसे दिए एकदम से चार पाँच मैसेज आए ऐसा होता नहीं है कभी <laughs> तो फिर मेरे को लगा मैंने कहा भाई काम हो गया है कुछ फिर उसके बाद मेरे जहाँ पे उन्होंने उसने मुझे उतारा था वहाँ से लेके मतलब 200-300 मीटर दूर मेरा घर होगा उस उस इतने देर में मेरे को पचास साठ सौ फ़ोन आ गए होंगे कम से कम कि मतलब लोग बोल रहे थे कि भाई मुबारक हो ऐसे ऐसे करके फिर घर पे गया मैं मतलब मेरे मम्मी पापा हॉस् वहाँ पे थे मुंबई गए हुए थे वो मेरे फादर के थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी उन दोनों तो वो वहाँ पर थे बट मेरे ताऊ जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे मैं जब भी मतलब घर जाता था वो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है मतलब हाँ जी मतलब मैच फ़ीस मैं पापा से नहीं मांगता था वही मतलब सपोर्ट करते थे और सब कुछ उनसे कभी भी मैं मतलब मैच फीस मांगू उन्होंने मेरे को कभी मना नहीं किया बड़े पापा ने तो फिर मतलब वो जब मैं उनसे मिला वो रो रहे थे क्योंकि उनका और मेरे दादा का यही सपना था बट भाई खुशी तो आपको भी होगी क्योंकि आप एक वो टाइम देखो जब पंद्रह साल के थे उसके बाद उन्नीस साल तक कहीं भी नाम नहीं था कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली थी तो वो एक टाइम पे लगा नहीं कि ये काफ़ी लो पॉइंट आ कि छोड़ दूँ क्रिकेट ऐसा कुछ आया था मन में क्योंकि अंडर ट्वेंटी फाइव से पहले मतलब मेरे फादर का भी पता लगा था कि मेरे पापा के कैंसर है लास्ट स्टेज उस टाइम पे वो टाइम मतलब बहुत मुश्किल था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं क्योंकि घर का भी सब कुछ देखना होता है तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया था कि अब मैं क्या करूं बट मेरे पापा से मैंने बात की थी उन्होंने मुझे समझाया कि तू जो कर रहा है तू करता रहा टेंशन मत ले किसी भी चीज़ की तो फिर मैं अपनी प्रैक्टिस जाता रहा बट बैक ऑफ द माइंड मेरे यही चल रहा होता था कि अगर पापा की मतलब ज़्यादा सीरियस थी उनकी बट भगवान की भगवान का मतलब मैं बहुत वो कहूँगा कि उन्होंने अंडर ट्वेंटी फाइव में मैं उस साल से तभी सिलेक्ट हो गया था उसके दो तीन महीने बाद ही भाई ये आपकी बात से मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा की भी जब मैं एशिया कप खेल के था उनकी बाईपास सर्जरी होनी थी और समझ आता जब फैमिली पर बात बीतती है तो वो पता लगता है उस टाइम पे कितने हॉस्पिटल के चक्कर लगता है कहीं दिमाग नहीं लगता और कुछ महीने पहले ही आई लॉस माई डैड आई कैन डेफिनेटली रिलेट तो हो जाता है समझ नहीं आता उस पॉइंट पे क्या करे क्या ना करें तो उस टाइम पे मतलब मुझे यही लग रहा था कि अब मतलब मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि अगर पापा के कुछ क्योंकि क्रिकेट आपको पता ही है कैसा है कि इसमें कोई शॉर्ट ही नहीं है कि आप खेलोगे ही खेलोगे बट मुझे अंदर ही अंदर सेल्फ बिलीफ था कि सुरेश तू टेंशन मत ले भाई तू कुछ ना कुछ टाइम में कभी ना कभी तो बहुत बड़ा वो करेगा भाई डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग अभी भी तेरे साथ है और हमेशा रहेगी भाई वो तो हमेशा रहेगी बिल्कुल रहेगी और वो कहीं ना कहीं उसका तेरे को फल मिलता रहेगा बिल्कुल बिल्कुल मैं तो मानता ही हूँ सुरेश बत्रा सर का और अपने पापा का अपने दादा का कि वो हमेशा मेरे साथ ही हैं फिर उसके बाद जब आई में मतलब एयरपोर्ट पर थे मेरे पापा और वो लिटरली रो रहे थे वो फ़ोन पर बात करते हुए उन्हें भी बिलीव नहीं हुआ था कि ये सब हो किसी को भी बिलीव नहीं था बस ये था कि हाँ ठीक है खेल रहा है इतना नहीं था कि इतना मतलब कि आई में नाम आ आई पी में नाम क्योंकि सब कोई भी जिसको भी देखो रिलेटिव्स भी आते हैं भाई तो आई कब खेल रहा है भाई तो आई सब यही पूछते हैं कहा जी भी घर में आता था कल तो ज़िंदगी में आई तो खेल जाएगा ना बस यही बोलते थे और भाई ये जब के में आई गेस आपको चांस भी बहुत जल्दी मिल गया था डेब्यू काफ़ी जल्दी हुआ था तो कैसा लग रहा था जब इतने लोगों के बीच में खेलने को मिला पहली बार भैया मैं मतलब जब सेकंड मैच में मेरा डेब्यू हुआ था अगेंस्ट आर तो मतलब मैं काफ़ी प्लानिंग तो की थी मैंने रात को कि कौन सा प्लेयर कहाँ खेलता है ऐसे, ऐसे ऐसे करके बट जब मैं ग्राउंड में गया था मैं सब कुछ भूल गया था मैंने इतना क्राउड देखा वहाँ पर क्योंकि उससे पहले मैं कभी मैच देखने भी नहीं गया था मैं सीधा खेलने गया था और इतना क्राउड देख के मैं मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था फिर जब नीतीश भैया ने मेरे को बॉलिंग के लिए बुलाया था तो मतलब मैं बहुत अलग फीलिंग थी वो मुझे इतना मैं इतना डरा ही नहीं था अपनी लाइफ में कभी डर लग रहा था या नर्वसनेस थी डर भी लग रहा था नर्वस भी थी बट ये था बैक ऑफ द मतलब बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि मैं अच्छा कर दूंगा बट uh, मेरे फर्स्ट ओवर जब मैं डाल मतलब फर्स्ट बॉल जब मैं डालने जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगा विकेट पर मतलब पैर ऐसे काँप रहे थे पूरी बॉडी शेक हो रही थी और फिर मेरे फर्स्ट ओवर में एक सिक्स लग गया था थर्ड बॉल पे तो वो बॉल तो जा रही थी मतलब बाहर बट मुझे लग रहा था ये मेरा करियर भी लेके जा रही है ऐसे करके <laughs> लग रहा था मेरे को फिर वो फर्स्ट ओवर में उसके बाद कोई बाउंड्री नहीं आई देन मैं फील्डिंग करने चला गया था तो जो एक ओवर था ना मतलब उसमें मैंने अपने आप से पूरी बात करी फिर मैंने कहा मैं इतने साल मेरे को जो आता है मैं वही करूँगा ठीक है जो हो गया सो हो गया फिर मेरे को नीतीश भया ने दूसरा ओवर दिया उस पहले उस ओवर में मैंने अनुज रावत को आउट किया था उसके बाद उसी ओवर में मैंने दिनेश कार्तिक को भी आउट किया था फिर फिर मैं थोड़ा वो हो गया कॉन्फिडेंस आ गया था आर सी बी के अगेंस्ट मैच था तो विराट भैया को बॉल डाली थी विराट भैया को मैंने सेकेंड मैच में डाली थी अच्छा हाँ फिर उस मैच में मैंने थ्री विकेट्स ली थी और डेब्यू में हाँ जी और उसमें शाहरुख सर भी आए हुए थे वो स्पेशली मुझसे मिलने भी आए थे फिर भाई आप मिले जब शाहरुख सर से तो लगा कि एक किंग ऑफ बॉलीवुड आके मेरे से इतने अच्छे से बात कर रहे थे आपके लिए तो एक प्राउड मोमेंट होगी होगी प्राउड मोमेंट भी थी बट मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये मेरे से मिलने आएंगे और मतलब उन्होंने इतना इतने डाउन टू अर्थ लगे वो मुझे इतने अच्छे से मुझसे बात की मुझे हक़ वगैरह किया और बहुत प्यार से समझा रहे थे कि जैसे कि कोई बड़ा भाई समझाता है वैसे समझा रहे थे मुझे लगा नहीं था कि मतलब इतने बड़े स्टार हैं वो मुझसे ऐसे आके बात करेंगे फिर मतलब इस मैच से पहले मतलब जब मेरा हमारा कैंप लग गया था दस दिन पहले तो मैम बस वगैरह में या फिर ग्राउंड वगैरह पे जाते थे तो उसमें भी यही रहता था कि सबके साथ फोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे सब के साथ बट मैं अपना खड़ा हूँ कोई मेरे को पूछ ही नहीं रहा तो तब मुझे फील होता था कि ये टाइम मेरा कब आएगा देन उस मैच के बाद से सब कुछ चीज़ें बदल गई जब ये सोच रहे थे कि मैं पिक भी हो गया बट तब भी कोई नहीं थी आपकी ये कहना चाह रहे हो हाँ फिर उसके बाद से सुबह सब कुछ बदल गया था मैं ब्रेकफास्ट में नीचे गया था वहाँ पर इतनी भीड़ थी मतलब वो मोमेंट भी बहुत अलग थी जब लोग आपसे आके बोलते हैं कि सर वन स्पेशली आपसे मिलने के लिए खड़े हुए हाँ वो मोमेंट बहुत अलग थी और कोलकाता का क्राउड है भी ऐसा हाँ बहुत सपोर्ट करते हैं बहुत वो सपोर्ट करते, करते हैं वो और भाई एक बात और ये आपका सेलिब्रेशन बहुत वायरल होता है जो आप करते हो क्या रीज़न यह है क्या मतलब इसके पीछे काफ़ी मीम्स भी बने थे कि शाहरुख सर के कि मैं हूँ ना बट ऐसा कोई वो नहीं था ये मेरे डैड के लिए था कि उस टाइम पे वो मैसेज था कोई उनके हाँ, लिए उनके लिए था कि आप टेंशन मत लो मैं हूँ अभी यहाँ पे गुड यार तो भाई अब क्रिकेट की बात तो हुई हमारी खत्म जर्नी आपकी काफ़ी ब्यूटीफुल थी एंड आगे भी आप बढ़िया करते रहो और मैंने जब आपसे लास्ट टाइम में मिला था हम काफ़ी टाइम बाद में मिल रहे हैं हाँ। तो अभी आपके बाल बहुत छोटे थे अभी स्टाइल क्यों बदल लिया पूरा स्टाइल मैंने इसलिए बदला था क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे अंडर नाइनटीन में मैं ट्रायल्स पे गया था तो सिलेक्टर्स वगैरह मेरे से काफ़ी मतलब इम्प्रेस थे तो ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा था कि मेरा नाम आ जाएगा तो so, मेरा सौ बच्च मतलब रात को लिस्ट आई थी एक डेढ़ बजे मेरी आँख खुल गई थी तीन बजे तो so, तीन बजे जब मेरी आँख खुली थी तो उन सौ बच्चों में भी मेरा नाम नहीं था अंडर नाइनटीन में मैं सुबह तीन बजे से लेके कर छः बजे तक सिर्फ रोया था क्योंकि मुझे लिटरली मुझे बिलीव नहीं था कि इस साल भी मेरा सौ बच्चों में नाम नहीं आएगा और बढ़िया कर रखा था ड्रा बहुत अच्छा किया था मैंने तो फिर आप कह सकते हो मैं छः बजे उठा मैंने काफ़ी जगह फोन मिलाया कि मतलब मेरे को मेरे को एक... सॉरी भाई आपको याद कर रहा हूँ मेरे को अभी तक ये भी याद है एक टाइम पे आपका मतलब जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब आपने मेरे को फोन किया था तब करतार सर से इतनी बॉन्डी हाँ, वही मतलब मेरे हाथ में तो इतना कुछ था भी नहीं फिर भी मेरे को याद है मैंने करतार सर को फोन भी किया था उस टाइम भी आप बहुत टेंशन में चल रहे थे कि उसी टाइम की बात है ना शायद उसी टाइम जब आपका फ़ोन आया था कि करतार सर से एक बार बात करके देखो आप हाँ जी तो फिर मैंने कई जगह मतलब काफ़ी लोगों को फ़ोन किया था कि एक बार मेरे को ट्रायल मैच खिला दो आप अगर मैं उसमें करता हूँ तो ठीक है वरना कोई बात नहीं बस एक ट्रायल मैच तो फिर मेरे को उन्होंने बुलाया कि हम आपको देखते हैं भेज दो फिर भीड़ में मेरे को सबसे अलग खड़ा कर दिया और बोला आप यहाँ से चले जाओ वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे ग्राउंड पे बुला के हाँ जी तो फिर मैं वहाँ से फिर रोता रोता गया मैं मैं घर गया और मैं जाके गंजा हो गया था पूरा अच्छा तो और एंटरटेन ना करने का क्या रीज़न था पता नहीं क्या रीज़न था उनके बाद कोई बात नहीं करी सीधा ये, हाँ, ये बोल दिया हाँ सीधा ये बोल दिया कि आप यहाँ में खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे आप जा सकते हो यहाँ से मैं वहाँ से रोता रोता अपने घर गया मैं जाके सीधा गंजा हो गया था तो उस टाइम पे मतलब घर वालों को सबको डर लग रहा था कि मतलब मैं थोड़ा बाल बाल, बाल लंबे रखता था थोड़े इतने नहीं तो एकदम से गंजा क्यों हो गया है लोग मतलब बाहर में जाकर प्रैक्टिस भी कर रहा था तो सबको ये लग रहा था बट उस दिन से मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं अपनी स्किल ही ऐसे कर लूँगा कि लोग मुझे घर से लेके जाएंगे मुझे किसी से फ़ोन या करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं अपनी स्किल ऐसे ही कर लूँगा उस दिन से मैंने सोच लिया था तो फिर सब उसके थोड़े टाइम बाद मेरे बाल थोड़े लंबे हुए फिर धीरे धीरे बढ़ते रहे बढ़ते रहे और मैचेस में भी काफ़ी अच्छा हो रहा था फिर उसके बाद मैंने कटवाई नहीं ये तब से बाल ऐसे कटवाए ही नहीं एक बार भी <laughs> ट्रिम करवाता हूँ अच्छा। <laughs> कि शेप में रहे फिर मतलब उस यही रीजन है इसके पीछे और सूट भी कर रहे हैं मेरे ऊपर बिल्कुल बाकी आप बताओगे बट मेरे को लगता है बट जो नॉर्मल पाइक साफ करते थे ना वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगते हैं एक बार बढ़िया नहीं ठीक है कैरी कर रहा है भाई और उससे बैठ है ये मेरा गुड लक है आप ये समझ लो तो बढ़िया फिर मैं कह रहा हूँ और लंबे करो और <laughs> सुरेश भाई आपके बालों की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी आपके करियर की, की, की तरह मज़ा आया मेरे को सुन के तो अब यहाँ से अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे अब मैं आपको एक गेम खिलाऊंगा जिसका नाम है कड़वा गैस तो भाई यहाँ से एक गेम है गेम के रूल्स मैं आपको बता देता हूँ आपको तीन इमोज मिलेंगे क्रिकेटर गैस करने आपको और एक फोटो है बचपन की वो गैस करनी है अगर सही गैस दिया तो ये मैं पीऊंगा अगर गलत दिया तो भाई आपको पीना पड़ेगा ठीक है ज्यादा कड़वा तो नहीं है ने? पी के पता लगेगा तो <laughs> यार वो तो यार प्लीज इमोजी दिखा दो ये गैस करना आपको नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा हिंट दो हाँ प्लीज ये पहला क्या गैस कर थोड़ा तो बताओ चाय कॉफी किस में होती है कप में हाँ। कपिल दे <laughs> <laughs> चलो यार पर मैंने आपकी हेल्प कर दी थी इसमें बहुत ज्यादा पूछ हेल्प नहीं किया आपने क्यों बस आपने ये आप तो बताया चाय किसने तो अच्छा चल कोई नहीं मैं पीता हूँ पीना तो पा रहे अगला गैस नहीं हो पाएगा आपसे भाई ये है इमोजी अभी ये गैस करो म्यूजिक सिगरेट रेन एंड ए बहुत इजी है ये। बहुत ज्यादा देखो थोड़ा तो थो आपको बताना पड़ेगा पहले मैं हेल्प कर दी भाई अब नहीं किसी दे तो, तो, मैं, उ... मैं गैस करके बता दी मेरे को पीना पड़ जाएगा <laughs> आप थोड़ा सा तो बताओ ए एंड में ए दे ए है एंड मैंने आपसे तो स्टार्टिंग का बताओ स्टार्टिंग का बताओ आप थोड़ा सा फिर मैं बताता हूं आपको भाई अगर इतना हेल्प देने वाले तो ये वाला मैं नहीं पीऊँगा फिर सुरेश है ना हाँ भाई नहीं <laughs> था नहीं सही है मैं एक पी चुका था तो नहीं 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 ऐसे भी लो हम गेम को गेम की तरह खेलेंगे यार अगले में पर कोई हिंट नहीं दूंगा ठीक है मेरे को ही पिला रहे हो यार तुम तो दो दो <laughs> <laughs> अब तो आपको टेस्टी लग रहा होगा ये नेक्स्ट प्लीज वन जीरो बाइसेप्स कार टाइमर भी है महेंद्र सिंह धोनी चल भाई गलत है अभी एक सेकंड है थोड़ा सा वो करने दो नहीं नहीं, नहीं हो गया अरे गलत है मैं बता रहा हूं अच्छा एक लास्ट 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 नहीं 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 लास्ट क्या लास, एक लास, ही वो मिलता है ऑफेंड हो रहे हो आप बता दो फिर मैं देखने दो मैं बता दूंगा नहीं भाई पहले मैं आपने हिंट ले ली ओके दूसरा मैं मैंने बता दिया हां पहला मैंने आसान कर दिया था ये गलत बता दिया पर ऑप्शन <laughs> थे ही नहीं भाई इसमें एक ही चांस मिलना था नवजोत सिंह ये लो दूसरा भी हो गया तो मैंने आपने रिपीट किया है ना मैंने बताया नहीं आपको बता दो आप ही तो गलत बात है तंदुलकर सचिन तंदुलकर तो इसलिए आप जल्दी ट्राई करो डुल ये कैसे तंदुल कैसे बना भाई साहब है ना टुल बोलते हैं भाई सबको डोला अच्छा ठीक है देखो कैसा बना ये पूरा पूरा बहुत भाई आता <laughs> जो भी था एक्सप्रेशन लेस इंसान है यार ये तो अच्छा नहीं बढ़िया लगा था नहीं नहीं बहुत भाई आते हैं तो ये था हमारा कड़वा गैस अब सुरेश भाई हम चलते हैं हमारे लास्ट राउंड पे जिसका नाम है सुपर ओवर बेसिकली इट्स अ रैपिड फायर एक वर्ड में आपको आंसर करना है तो योर आइडल गौतम गंभीर लास्ट डायल नंबर ऑन योर फोन माँ ऑल्टरनेटिव करियर क्रिकेट क्रिकेट ही बीच और माउंटेन माउंटेन ड्रीम कार फिलहाल तो रेंज रोवर बिलार हिडन टैलेंट आई डू कैलेस्थेनिक्स आपके इंस्टा पे काफ़ी देखा मैंने थोड़ा सा करके दिखाओगे <laughs> वो आपको इंस्टाग्राम से <laughs> देखा चलो कोई नहीं।, नहीं हम वीडियो डाल देंगे उसकी <laughs> तो सुयश भाई यहाँ से करते हैं हम रैप अप और मैं चाहता हूँ कि जैसे आपकी जो भी स्ट्रगल रही है मतलब तो इतने टाइम तक क्रिकेट मिले भी नहीं जो भी मिला इकट्ठे मिला तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यंग ऑडियंस हमें देख रही है तो उन्हें कुछ बताओ कि कितने टाइम तक क्रिकेट नहीं मिली क्या कहना चाहते हो अपने फैन से भी और जो बच्चे अभी क्रिकेट शुरू कर रहे हैं या खेल रहे हैं मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मतलब जो भी मेहनत कर रहे हैं अपने दिल से मेहनत करें और अपनी स्किल जो है उसको मतलब सही वे में अपनी प्रैक्टिस करें और अपनी एज ना देखें एज का बहुत वो होता है आजकल की तुम आप 19 ओवर हो गए हो आप 23 ओवर हो गए हो कुछ नहीं है एज इज़ जस्ट अ नंबर आप बस सही उसमें मेहनत करते रहो भगवान देख रहा होता है आपको ज़रूर बहुत अच्छा मौका मिलेगा बस आप मेहनत करते रहो सुरेश भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग मैचेस और जिन लोगों को भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला इससे So show some love and like, share and subscribe.